खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं और ये खबर है ईद उल फितर के चांद के हवाले से। ईद उल फितर के चांद के हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आई है, आपको बताते चलें। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ईद पढ़ाई जा चुकी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर ईद होने के बाद पाकिस्तान के अंदर कल ईद का होना यकीनी हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी 2 मई को पाकिस्तान के अंदर ईद उल फितर पढ़ाई जाएगी और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर कल 2 मई को ईद उल फितर पढ़ाई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर टोटल रोज़े 29 होंगे जबकि ईद उल फितर 2 मई को अदा की जाएगी।